ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। मेरे नाल ब्रॉडवे इमीग्रेशन के चीफ अमरजीत सिंह कंवर साहब मौजूद ने। 90238 90238 ब्रॉडवे इमीग्रेशन के उत्तर भारत के बहुत जगह ऑफिस खुले रहे, दिल्ली भी, गुजरात के भी, जम्मू के भी, पंजाब ते हरियाणा के सानू सारे नू पता है बहुत सारिया ब्रांचेस ने। वैबसाइट के जरिए भी अप्रोच करो, प्रोफाइल भेजो, रिफ्यूजल है तो रिफ्यूजल लैटर भेजो, फ्रैश केस है तो अपना प्रोफाइल भेजो और सलाह करो, चैनल नू सबसक्राइब करो क्योंकि हर रोज़ बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो कंवर साहब का असी ब्रॉडकास्ट करते हैं। अज विशा एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण है और अज के विषय में असी अमरजीत सिंह कंवर साहब तो समझांगे। सब तो पहला ही समझने की लोड़ है कि कनेडा दे विच सितंबर दे विच हाई रिफ्यूजल क्यों आए। और मैं ये भी दसदा ब्रॉडवे इमीग्रेशन का बहुत वड्डा सक्सैस रेट रहा सितंबर इनटेक का। कंवर साहब खुद दसणगे कि इन्ने ज़्यादा सक्सैस रेट का रीज़न की सी। हुण जे ब्रॉडवे नूं इन्ना ज़्यादा हाई सक्सैस रेट मिलिया सितंबर च ते उस तरह बहुत सारे रिफ्यूजल रहे दूसरे पंजाब दे विच इंडिया दे विच, इहदे पिछे इहदा रीज़न की सी, डिफरेंस की रहा दोनों की एप्लीकेशन लॉन्च करन दे तरीके दे विच। और इंपॉर्टेंट इहदे नाल ही सवाल है कि जे जनवरी और मई इनटेक दे विच हुण असीं हाई सक्सैस रेट रखना है तो सानू किहड़ियां गल्लां दा ख्याल रखना पएगा। फोकस इस सब्जैक्ट पर साडा रहेगा। कंवर साहब सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है। यही टॉपिक मैं चाहूँगा कि एक बार एक्सप्लेन जरूर करूँ। थैंक यू डल्ला जी, प्रोग्राम देख रहे सारे दोस्तों नूं मेरे वल्लों सत श्री अकाल। सो पहली तो मैं गलत फहमी आ दूर करना चाहूँगा डल्ला जी कि नैगेटिव रिजल्ट सिर्फ सितंबर का नहीं आया, यह रिजल्ट लास्ट ईयर जनवरी तो शुरू हुए सीगे। ठीक है जी, अक्टूबर दे विच जिहड़े लास्ट ईयर रिजल्ट आने लगे सी, नवंबर च जिहड़े रिजल्ट आए सी, दिसंबर च जिहड़े रिजल्ट आए सी, जनवरी इनटेक नूं लैके खासकर वह रिजल्ट ऐसे पैटर्न ते आया सी। और उस पैटर्न दे विच्चों बहुते बच्चों ने और बहुते कंसल्टेंट ने सिर्फ इन्ना ही सीख्या भी आईलेट सिक्स ईच चाहिए तो पी टी का स्कोर हाई चाहिए। बट ब्रॉडवे ने उस टाइम ही अपनी पूरी पॉलिसी कैनेडा लिए असी चेंज कर दिती सी और ऐसे कारण शायद असी एस इनटेक च कोई 300-400 बच्चा नहीं भेजिया, शायद 150-200 भेजिया होगा क्योंकि 400-500 नू 300 नू सानू मना भी करना पिया भी असी तुहाडी फाइल नहीं लै सकते क्योंकि उन्हां दा स्कोर या वो पैटर्न नू फॉलो करन लई तैयार नहीं सी। सक्सैस दा कारण आ रहा हुण कारण कि वो कई डिफरेंस है पॉलिसी च, वो उही है जो अज काफ़ी हद तक हुण इन्नी वड्डी रिफ्यूजल करा के बच्चों की एजेंटा भी समझ आने लग गया तो बच्चों भी समझ आने लग गया कि कैनेडा उदों भी रिफ्यूज़ कला आईलेट्स के करके नहीं सी कर रहा, उदों भी रिफ्यूज़ वो अकैडमिक दे करके कर रहा सी, उदों भी रिफ्यूजल फंडा लेके आए ने, उदों लोगों ने दरकनार किया और यही सोचा भी सिर्फ आईलेट्स होगा सिक्स ईच होगा उस तो ज़्यादा होगा तो रिजल्ट आऊगा, पी टी नहीं होगा घट होगा या पी टी वाली फाइल ना लाओ फिर रिजल्ट आऊगा। पर कोई कैनेडा के काम के फर्क नहीं पिया, उ रिजल्ट मई च देखने मिले, उ फिर रिजल्ट हूँ सितंबर च देखने मिले। सितंबर के देखे रिजल्ट थोड़े ज़्यादा अखा खोल गए क्योंकि रिफ्यूजल बहुत ज़्यादा सी, सितंबर की एप्लीकेशन ही बहुत ज़्यादा लगी होंगी है, लखा के एप्लीकेशन अंबैसी चले जाती है। सो डेफिनेटली एक अखा खोलन वाला सिस्टम से। जनवरी इनटेक छोटा सी, लोगों ने इग्नोर किया, मई उस तो भी छोटा सी जिन्हों लोगों ने इग्नोर किया, बट हूँ मेरे ख्याल न काफ़ी हद तक लोगों को समझ आ गया होगा। असी अपना बिजनेस कैनेडा के मामले से गल करिए 50% असी कीता कंपैरेटिवली 2021 दे सितंबर के मुकाबले, बट असी उदे विच रिजल्ट 80% 85% मेनटेन करके कढ़िया। और असी दावे ना कह सकते हैं, मेरे वीडियो च कमेंट कर सकते हैं जो कोई बच्चे मेरे तो रिफ्यूज़ ने। सो बेसिकली कारण की है, कैनेडा ने यह चीज़ा उदों क्लीयर कर दित्तियां सी, उस तो कीते हुए सीरीज ऑफ वैबीनार्स दे विच कैनेडा ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया सी कि तुहाडा अकैडमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अकैडमिक्स डायवर्सिटी अकैडमिक है, दो चार चीज़ा उन्होंने बहुत हाईलाइट किया और तीजी हाईलाइट की सी योर फाइनैशियल बैकग्राउंड्स। हूँ यह तीन टर्मा उन्होंने कागजा च लिख के नहीं सी देना वैबीनारा च, क्या साढ़े समझ आया, हो सकता कई होर भी आया होगा और उन्होंने उस पैटर्न फॉलो किया। कैनेडा दे विच सिंपल गल हो चुकी है, उन्होंने कोविड च देख लिया भी साढ़े को बच्चे आने तरस रहे हैं, एक पास तो सानू माइग्रेंट की लड़ है पर जिनी सानू माइग्रेंट की लड़ है उत्तों ज़्यादा साढ़े को ओनली बच्चे तरसी जा रहे हैं। और दूसरे पासे तुसी देखो इंडिया की सिचुएशन, खास करके गल करा कि साढ़े टेबल ते आके 95-96% वाला प्लस टू वाला बच्चा आके बहिंदा है और कैनेडा लिए अपनी फाइल दिंदा है, जिहड़ा असी सोचते हैं कि शायद इस कंट्री का साइंटिस्ट हुंदा या कोई वड्डा आईएएस ऑफिसर हुंदा। सो जदों इदां दा बच्चा कैनेडा कोल जाण लई खड़ा है, उहनूं की लोड़ है किसी बच्चे नाल कॉम्प्रोमाइज़ करन दी।
उन्हें की लोड़ है 55% वाले चक्कण की, उन्हें की लोड़ है अपने बैकलॉग्स वाले चक्कण की, जबकि वो को फ्रैश प्रॉपर जाने वाला स्टूडेंट ही वह टारगेट पूरा कर रहा है। और दूसरा कैनेडा अपनी डाइवर्सिटी पूरा करने लिए SDS अपने कोविड के जो लोग अपने रिजल्टों का इंतजार करी जाते हैं कैनेडा उदो अपनी अपनी एजुकेशन पॉलिसी SDS प्रोग्राम 7 होर कंट्रियां च लै गया। ठीक है जी, सो आ चीज़ा अगर किसी के समझ नहीं आ रही तो फिर वो एजेंट कहूँगा, मैं उन्होंने कंसल्टेंट घट कहूँगा। बट अगर तुम कंसल्टेंट हो पढ़े लिखे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पोलीटिकली और टैक्निकली चीज़ा कितने कितने बदल रही ने, वो हिसाब न ही बिजनेस चलने हैं, वो हिसाब न ही फ्यूचर चलना। सो प्रेजेंटली कैनेडा के वीज़ा लैन लिए कुछ सिंपल मापदंड हो गए, मैं सिंपल ही कहूँगा, कॉम्प्लीकेशन घटाती उन्होंने सिंपल हो गए। अगर तुहाडे प्लस टू ईच सबजैक्ट स्कोर वधिया है तो तुहाडा वीज़ा रिफ्यूजल तो बाद भी आऊगा और 100% आऊगा, और पहली गल रिफ्यूजल ही नहीं आऊगी। हुण जदों तुहाडे प्लस टू के नंबर भी वधिया और उस तो बाद भी तुसी रिफ्यूजला लैके बैठे हो तो भी मेरे लिए शॉकिंग गल नहीं है, क्योंकि मैं रोज़ लाइव करदा यूट्यूब के उत्ते। सो आई मैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ज़्यादा नहीं तो मैं घट्टो घट 30-40 स्टूडेंट्स ना तो डेली गलबात करता है, उस तो इलावा जिन्हां ना ऑफिस च मिल जांदा दिने वो वक्खरे। सो ज़्यादातर बच्चे की करते हैं अपना इनटेक टारगेट करते हैं, मान लो हूँ किसी ने जनवरी जाना है, जनवरी च रेलेवेंट कोर्स नहीं भी मिल रहा पर मैं जाना जनवरी है स्टोरी है। ठीक है जी, फिर एजेंट कोई ना कोई कोर्स फड़ता है उन्होंने धक्के ना वह SOP बना के वो ला रहा है। सो इदा के केस तुसी रिफ्यूजल ही लवोंगे। जे तुहाडा इनटेक नहीं है बई मई च चल जाओ, मई च कहड़ा कैनेडा ने बच्चे ले जाने बंद कर देने हैं। ठीक है नी, सो रेलेवेंसी ऑफ एजुकेशन प्रोग्रेशन यह चीज़ा टैक्निकली जिन्ना चेर बच्चों समझ नहीं आनगियां, कंसल्टेंट नू समझ नहीं आनगियां, उन्ना चेर दोनों जने रिफ्यूजल फेस करनगे। ईच सबजैक्ट दे स्कोर, बैकलॉग्स, कंपार्टमेंटा, एक्सटेंडेड डिग्रियां, यह तुहाडी हुण वड्डी प्रॉब्लम ने। आ बच्चों उन्होंने नहीं ले जाना, उन्होंने ले जाने लिए उन्होंने UK खोलता, आस्ट्रेलिया खोलता, इधर जाओ, आने वाले दिनों न्यूजीलैंड भी खुल गया। ठीक है जी, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तुहाडा फाइनैशियल बैकग्राउंड प्रॉपर सैटिस्फाइड रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अंदर एक मिथ बनी हुई है भी आफ्टर कोविड कई लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं, और ये सच भी है, कोई झूठ नहीं। सो ताड़ी फाइनैशियल स्टेटस वो किसी भी इदा के कागज़ तो नहीं देख सकते जिदी वैल्यू इंडियन गवर्नमेंट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल लोग CA का सर्टिफिकेट चक्की फिरते हैं, को अंबैसी कोई ने कि पटवारी रखे भी ताड़ा प्लाट देखे 1 करोड़ का कि 2 करोड़ का। ठीक है जी, जिहड़ा तुसीं CA रिपोर्ट च पाता, इदा नहीं चलना। अंबैसी देखेगी सिर्फ तुहाडियां इनकम टैक्स रिटर्न ITR अगर तुसीं फाइल करदे आ रहे हो, उहदे विच तुहाडी इनकम 8 to 10 लाख बोलूगी, उन्हां नूं तुहाडी फाइनैंशियल पोजिशन दे उत्ते यकीन होगा। जे तुसीं अपनी पढ़ाई 2 साल तो वध समय लई करन जा रहे हो और तुहाडे कोल दूजे साल की फीस जोगे भी पैसे कोल पए ने जिहड़े कि खर्चने नहीं सिर्फ दिखाने हैं, तो उन्हां नूं तुहाडे ते विश्वास होगा। बट जुगाड़ां दे नाल फाइल ला के तुसीं वीज़ा हासिल करो कैनेडा का, यह हूँ काफ़ी मुश्किल रहेगा। बिल्कुल ठीक है। सो मैं जो निचोड़ कदा बहुत सारिया इंपॉर्टेंट गल्लां कंवर साहब ने कीतियां, निचोड़ यह है कि सिर्फ IELTS और लैस बैंड करके ही कैनेडा तो रिफ्यूजल नहीं होंगे, मल्टीपल रीजन सानू एक्सप्लेन करते। और उन्होंने ये भी कहता, बड़ी पते की गल कही है कि स्टूडेंट इनटेक नहीं कोर्स की रेलेवेंसी देख के अप्लाई करन। सो इनटेक भावें अगला लै लो, जरूरी नहीं कि तुसी इमीडिएट इनटेक दे विच दाखला लेना है। सो जे तुसी हाई सक्सैस रेट लेना है तो कोर्स की रेलेवेंसी थोड़े प्रोफाइल का इंप्रूव और प्रोफाइल की वीज़ा सक्सैस होने की जिहड़ी रिक्वायरमेंट है, थोड़ा प्रोफाइल उहदे नाल मैच करूगा तो तुहानू रिजल्ट मिलेगा। सो बहुत सारे पैरामीटर पर गल की है कंवर साहब ने, थैंक यू सो मच कंवर साहब इस महत्वपूर्ण जानकारी दे लई। और मैं अखीर विद्यार्थियों को कहूँगा 90238 90238 एक नंबर है, इसे सेव करो और अप्रोच करो ब्रॉडवे इमीग्रेशन। सत श्री अकाल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, सत श्री अकाल। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।